और मेरे जैसे इस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं की माए आज भी क्यों नहीं वो आठवीं तक भी पहुंच पाई और जिंदगी भर तथाकथित आजाद देश में पराधीन तक बेड़िया बांधे वो आज भी विवश क्यों घूम रही है। ये सवाल है हमारा कि हमारे नेता यह हम जिन आदर्शों की बात कर रहे हैं जो धैर्य शिक्षा नीति जिसका हम बहिष्कार करते हैं कि एक तरफ अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, एक तरफ गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा। इस भेदभाव को खत्म करने की जब हम बात करते हैं तो हमें सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से भी वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम के इस सवाल और इस डिमांड पर क्यों छुपे इसका जवाब दे हमारी सरकारें। उस देश में उस भारत देश में जिसका इतिहास गौरव का इतिहास और संघर्षों का इतिहास दोनों का इतिहास रहा है, जिस देश के इतिहास में एक लव्य भी रहे हैं शंदक भी रहे हैं और आज जब यह बताया जा रहा है कि देश में राम राज्य का उद्घोष हो चुका है तो आज इस देश की जो करोड़ों करोड़ युवा जो आज भी एक लव्यों की कतार में शंभुओं की कतार में खड़े हैं उन युवाओं का उन बच्चों का आज क्या भविष्य है, आज उन्हें क्या शिक्षा मिल रही है, ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। साथियों आज इस देश में एक छोटी सी सुई से लेकर इस साथ से लेकर पेन से लेकर कॉपी से लेकर संसद के भवन तक यूनिवर्सिटी की नींव रखता है, स्कूल की नींव रखता है उस मजदूर के उस करोड़ करोड़ मेहनत कश आबादी के बच्चों को जब वो पढ़ने की उम्मीद लेकर जाते हैं तो उन बच्चों को कहां दाखिला मिलता है स्कूलों में कॉलेजेस में, ये सवाल हमें आज उठाना पड़ेगा। आजादी के संघर्ष में देश के कोने कोने में खेत में फैक्ट्री में जंगल में अरण्य में वो छोटे छोटे बच्चे जो तेलंगाना जैसे जगहों में निजाम के क्रूर शासन के खिलाफ छाती लेकर खड़े हो गए सीने पर गोली खाने के लिए इस उम्मीद में कि जिस आजाद भारत में हम कदम रखेंगे वो भारत उस भारत देश के नेता उसकी सरकारें हमें कम से कम समानता का अधिकार समान शिक्षा का अधिकार देंगे। उनके सपनों का क्या हुआ, उनके सपनों का यह हुआ कि जब लाइफ एजुकेशन की बात हुई तो उनकी उम्मीदों को उनके सपनों को पोटली में बांध कर फंडामेंटल राइट्स की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में दफन कर दिया गया। यह कहा गया कि राज्य चाहे तो कर सकता है, राज्य पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है, तो राज्य की चाहतों में भी जब हमारे अधिकार सामने आए तो कब आए, 60 साल के बाद 2009 में वो चाहते सरकार की हमारे सामने पूरी हुई भी तो राइट टू एजुकेशन आया 8वीं कक्षा तक। मेरा सवाल है देश के उन नेताओं से सभी से कि मेरी माँ और मेरे जैसे इस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं की माएं आज भी क्यों नहीं वो 8वीं तक भी पहुंच पाई और जिंदगी भर तथाकथित आजाद देश में पराधीनता की बेड़ियां बांधे वो आज भी विवश क्यों घूम रही है, ये सवाल है हमारा। साथियों जब हम ये सवाल उठा रहे हैं आज हमें पूछना पड़ेगा राइट टू एजुकेशन 8वीं के बाद के बच्चों का क्या होता है, 8वीं के बाद 9वीं में 9वीं के बाद 10वीं में 10वीं के बाद 11वीं में 11वीं के बाद 12वीं में बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा हिस्सा युवाओं का जब पहुंच पाता है 12वीं तक उसकी 12वीं के बाद सरकारी औपचारिक शिक्षा से 13वीं हो जाती है। हमारी सरकारें कहती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है, अरे आप डाटा उठाकर देख लीजिए 2010 से 2018 तक ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है तो पत्राचार माध्यम में बढ़ता है इस देश के मेहनत कश युवा को कह लिया जाता है कि तुम्हारा ये स्कूल नहीं है तुम्हारे यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है तो तुमको हम एक खिड़की देते हैं उस खिड़की से तुम स्कूल की तरफ जाओ तुम यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ और उम्मीद करो कि इतनी दूर से तुम बराबर शिक्षा हासिल कर लोगे। धिक्कार है ऐसी शिक्षा नीति पर, धिक्कार है ऐसी सरकारों पर। आज भी इस देश में हजारों हजार इंदर मेघवाल सरकारी स्कूल के प्रांगण में दम तोड़ते हैं और उसके बाद किसी तरह 12वीं तक पहुंचते हैं तो दिल्ली देश की राजधानी में हमारे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक ओपन लर्निंग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मौजूद है जहां आज भी जनवरी के महीने में बच्चों को खोले में 10
बच्चों से उम्मीद की जाती है कि पूरी पूरी तरीके से अपनी फीस से ही वो अपनी हायर एजुकेशन को फंड करें। तो साथियों, जब हम अपनी आगे की दिशा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, तो हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारे नेता या हम जिन आदर्शों की बात कर रहे हैं, जो धैर्य शिक्षा नीति जिसका हम बहिष्कार करते हैं कि एक तरफ अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, एक तरफ गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, इस भेदभाव को खत्म करने की जब हम बात करते हैं तो हमें सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से भी जिनके घरों में तो दुकान है जहां पर वो गुलाब जामुन बेचते हैं लेकिन अपनी दुकान का गुलाब जामुन नहीं खाते हैं, जिनके दूसरे की दुकान पर जाते हैं। बराबरी की बातें तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजते। तो साथियों, इन्हीं डिमांड्स, इन्हीं केंद्र कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हमें सरकार के वादों के साथ साथ इन जो कॉन्ट्रडिक्शन हैं उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे की दिशा को तय करना पड़ेगा। और हमारा जो संघर्ष है वो केवल नई शिक्षा नीति 2020 को वापस कराए जाने का संघर्ष नहीं है। हमें इस देश की सरकार से पूछना पड़ेगा उसको वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से क्या समस्या है, वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम के इस सवाल और इस डिमांड पर क्यों चुप है, इसका जवाब दे हमारी सरकारें। और साथ ही साथ हमारा जो मिला जुला संघर्ष संगठित संघर्ष है कि जिससे लेकर सीधी तक समान शिक्षा का उसको लेकर इस देश में देश की राजधानी संसद मार्ग से लेकर दूर सुदूर इलाकों तक अरण्य तक जंगलों तक छोटे से छोटा बच्चा जो कास्ट की फैक्ट्रियों में काम करता है वो मिलकर बड़ी संख्या में आएगा, जब तक केजी से लेकर पीजी तक उसको समान शिक्षा समान औपचारिक शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम संघर्ष करेंगे। एक नारे के साथ मैं अपनी बातों खत्म करना चाहूंगी, आप सभी से उम्मीद है कि आप साथ देंगे कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजे वैसा हो, तो हमारा नेता कैसा हो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।